तारीख इस्लाम का अगर हम मुतालिया करें या फिर तारीख पाकिस्तान का, हमारी तारीख की जो कुछ ऐसी मिसाली ख्वातीन हैं जो कि आपको इस तारीख में ताल्लुक रखती हैं, आप बड़े बड़े नाम हैं आपको नजर आएंगे, नहीं पढ़ेंगी तो आप बड़ा अपना नुकसान करेंगी। ये खास तौर पे हम ख्वातीन के लिए कह रहे हैं, और मर्दों को भी जाहिर पढ़ना चाहिए, लेकिन ख्वातीन तो उनसे इंस्पिरेशन लेंगी जिन ख्वातीन की हम बात करें। मिसाल के तौर पर हज़रत आसिया फिरौन की बीवी थी, इस्लाम कबूल किया तो उन्हें बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ा, यहाँ तक के अल्लाह ताला की राह में, मतलब सरबुलंदी के लिए, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जाम शहादत नोश करती हैं, और इसका अजर ये मिला कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनका जिक्र फरमाया। आज हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी का बड़ा आज एक अहम दिन है, और आज उस अहम दिन पर वो हमारे साथ मौजूद हैं, काबिले तकलीद भी हैं, काबिले रश भी हैं, और हमारी जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक सियासत की दुनिया से है, और आजकल वो वज़ीर आज़म की मुआवन खसूसी हैं, सियासी उमूर में वज़ीर आज़म साहब की जो है वो मुआवनत करती हैं, और इनसे हमने जब पहले आपकी मुलाकात करवाई थी तो सियासी मामलों पर भी करवाई थी, फिर इन्होंने जो ईसाइत छोड़कर इस्लाम कबूल किया था तो उस पर भी हमने बात की थी, और वो ईद उल अज़हा का ही मौका था जिस पर उन्होंने ऐलान किया था, और अब इनको इस हिदायत की तरफ आए हुए 2 साल हो चुके हैं, आज इनकी सालगिरह है, तो हम आज इनसे ज़रा उनकी कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा बात उनसे नहीं होगी, ज़्यादा बात होगी उनके साथ एक और खातून है जो एक बड़ी अहम गेस्ट है, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में वो आ रही हैं, और वो हैं इनकी साहबजादी। तो हमारे साथ मौजूद हैं रुमीना साहिबा और उनकी जो साहबजादी, जिनका नाम सुनकर हम बड़ा जो है वो महसूस भी हुए, और हमने उसके ऊपर एक पूरी डिटेल डिस्कशन लगा ली। शामीरा खुर्शीद आलम एंड शामीरा, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपके साथ हो। मैं आप सबकी बहुत मशहूर हूँ, चैनल की आभारी हूँ, आ गई है हिंदी मेरे अंदर, मैं आप सबकी बहुत मशहूर हूँ, ममनून हूँ, और कि आपने इतने अहम दिन पे जो है वो एज अ फैमिली यू गाइस हैव इनवाइटेड मी, सो इट्स रियली ग्रेट मोमेंट, यू मेड माय डे स्पेशल। अरे ये बताएं कि पहले आपका दिन जो है वो स्पेशल कितने बजे, 12 बजे हो गया था? जी बेटी ने किया था, और आमना और उमेर और शामीरा दे आर वर देयर। अच्छा, और करते क्या हैं आप लोग इनकी बर्थडे पे जब स्टार्ट होने वाली होती है ना मिडनाइट, इनको कोई गिफ्ट देते हैं या लेते हैं? आजकल तो देने पड़ते हैं, कितनी मजबूरी से उन्होंने कहा है वैसे पता नहीं, आप क्या देने पड़ते हैं, लेकिन ये इनकी कोशिश होती है कि बस जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं तो दरवाजे बंद हो जाए और वालिदा कहीं नजर ना आए, लेकिन हम भी पूरी जोर शोर से जाते हैं और इनकी जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन तैयारियां तो दिन से चल रही होती है मेरे ख्याल से, तैयारियां तो दिन से, इतना टाइम नहीं लगता, इनके साथ बहुत साल हो गए हैं, जब से तब से कह रहे हैं, तो बस जब से पैदा हुए हैं साथ ये कह रहे हैं तब से, क्या इजी जिंदगी है, बिल्कुल इट्स ऑन माय फिंगर टिप्स नाउ, तो बस सब तैयार किया होता है, नोज व्हाट टू डू हाउ टू डू गुड, तो वो क्या है तमाम होता है ये भी जरा बताएं ना। हाँ। बस लोग रेडी किए होते हैं, बलून्स लेके आए, गिफ्ट लेके आए, केक लेके आए, जैसे 12 बजे से 5 मिनट पहले हमने प्रटेंड किया तो कुछ नहीं हो रहा, इनकी तरफ से कोई खास फरमाइश होती है? ये बहुत ये कहते हैं कुछ भी कर दो। अच्छा, कुछ अम्माएं तो ऐसी भी होती हैं कि आप उनके लिए बड़ा, मतलब आप तरद्दद करते हैं, आप इधर उधर जाते हैं, उनके लिए बड़ी चीज भी खरीदते हैं और कुछ लेकर आए तो वो कहती हैं अच्छा तो बहुत है लेकिन क्या जरूरत है, हाँ, ये भी होता है, नाक चढ़ाती है जरूर, ये भी ऐसी है, ये ऐसी ही है, इनके लिए कुछ भी लेके आओ बेशक इनकी बर्थडे ना भी हो, क्या जरूरत थी, क्यों किया ऐसे, कोई जरूरत नहीं, रीजन बिहाइंड इट, वो क्या रीजन, वो रीजन ये है, ये तो अब अपनी बच्चे तो अपनी मार रहे होते हैं, लेकिन मुझे आई रियली लाइक इट वट एवर शी लाइक गॉट फॉर मी, हमेशा जो भी गिफ्ट देते हैं बहुत प्यारे होते हैं और मेरी चॉइस के मुताबिक होते हैं, इनफैक्ट टुडे व्हाट आई एम वेयरिंग दैट इज आल्सो डिजाइन्ड बाय हर, जबरदस्त, तो वो बात नहीं, सिर्फ मुझे ये होता है कि यार मेरे पे मत खर्च करो, अपने ऊपर खर्च कर लो, मतलब मुझे सिर्फ ये होता है, अदरवाइज ऑफ कोर्स तोहफे किसको अच्छे लगते हैं, आपने जो हमारे लिए पूरी जिंदगी किया उसकी भी तो जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आपने भी किया, जरूरत नहीं थी, फर्स्ट था आपका, वो तो आपको करना था, बिल्कुल, ये तो उसमें कोई ऐसा तो मामा था? का एक और भी मसला है, वो हर थोड़ी देर बाद इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा, तो ये अभी हाँ हम इनकी क्वालिटी ये हमें पता है, लेकिन कम ऑन दिस इज माय बर्थडे, ओके, लेकिन आज सच इधर से आएंगे सारे, बिल्कुल आप लोग इसको ही बुला लेते, मुझे रहने देते ताकि कंफर्मेशन भी हो जाए ना, और अगर कोई कंट्रडिक्शन करनी हो तो वो भी आप कर सकते, डबल चेक का सिलसिला पूरा बनाया। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी और इनकी सबसे वो क्वालिटी जो आपको जरा ना पसंद हो, दोनों बताइएगा। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि कोई समवन हु इज ऑन द हाईएस्ट रैंक एंड समवन हु इज लाइक रियली यू नो
लाइक फ्रॉम लाइक द लोअर क्लास, नॉट लोअर क्लास बट जैसे होते लेकिन एक जो जरा या जो थोड़े हां बट शी ट्रीट्स एवरीवन द सेम, शी इज सो डाउन टू अर्थ, लाइक शी हैज सो मच अथॉरिटी एंड शी इज इन पॉलिटिक्स, लाइक आई सी देयर इज पीपल अराउंड हर ऑल द टाइम, आई सॉ हर डे टू डे लाइफ आज पहले भी, देयर इज पीपल ऑल अराउंड हर बट शी इज सो डाउन टू अर्थ एंड शी ट्रीट्स एवरीवन द सेम वे. जबरदस्त. लेकिन वही इनकी एक थोड़ी बुरी क्वालिटी भी है कि बस हर किसी को इतना सब सर पे चढ़ा देती है, सब सर पे चढ़ा देती है. Catch 22. मामा की कैश, या इट्स कैश 22. सो मामा को बस बहुत सेंसिटिव है, सबको सर पे चढ़ा लेती हैं और बस फिर कभी कभी लोग फायदा उठा. अच्छा रुबी ने ये बताया कि क्योंकि जिसकी बर्थडे होती है ना उसके लिए बाकी लोग तो बड़े एहतमाम कर रहे होते हैं और वो अपने माइंड से सोच रहे होते हैं कि इसको फूल पसंद आएंगे तो भाई फूल ऑर्डर कर दो या फला केक पसंद आएगा केक ऑर्डर कर दो, लेकिन जिसकी बर्थडे होती है उसकी अपनी भी कुछ प्रेफरेंसेज होती हैं कभी कभी कि यार मैंने अपने साथ टाइम गुजारना है या मैंने अपने बेटी के साथ बैठ के यहाँ पर कॉफ़ी पीनी है या ये करना है, आपकी क्या प्रेफरेंसेज होती हैं? इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्पेशल डे समहाउ, बस मैं I don't know what to say इस पर, बस I think it's moreover I really जिसे कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वो that is to be loved and to have a good time. तो मैं अल्लाह से बस यही मेरी मुझे honestly I'm not foodie, you can ask from her. मुझे कभी मेरी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कभी ये भी नहीं हुआ कि ये मिल जाए. मुझे होता है जहाँ पर भी बैठे हैं चाहे वो बर्थडे है नहीं है जो भी टाइम हो वो हम अच्छे से स्पेंड कर लें आपस में प्यार मोहब्बत से हंसते खेलते, बस कोई मूड किसी का ऑफ ना हो और कहीं पर भी हो कुछ भी हो मतलब आई एम ओके विद दैट, मेरे कोई इस किस्म के इशूज नहीं है. और दूसरा ये ज़रूर होता है कि बस जो भी हो अच्छा हो प्यार से और खुशी हो बस. अच्छा ये एज अ मदर मैं डांटती कितना है ये? बहुत कम डांटती है, बहुत कम डांटती, लेकिन उसकी वजह ये है कि जब तीन तीन बच्चे होते हैं ना एक ही घर में रह रहे होते हैं तो बहुत डांट पड़ती है, सब लाइक यू नो डिवाइड हो जाती है आपकी अटेंशन, तो बस जो डांट सबको डिवाइड हो जाती है, डांट सब में डिवाइड और जो भी नजर आता है बस उसको डांट दो. जब एक अकेला बच्चा होता है ना तो सारा प्यार उसको मिलता है. तो जब तक तीनों थे इधर, जब तक तीनों थे इधर तो सबसे ज्यादा प्यार उन दोनों को मिलता था, मुझे सिर्फ डांट मिलती थी. आप मजलूम है क्योंकि वो सबसे छोटा था और वो सबसे या मजलूम है सबसे बड़े और सबसे छोटे बहुत सारी चीजों में मिडिल चाइल्ड तो वैसे ही इग्नोर्ड होता है बेचारा, ये बात होती है. एंड एज सून एज दे वेंट दोनों हमारी जिंदगियों से चले गए. दरमियान वाली अच्छा ये दरमियान वाली नहीं नहीं दोनों जब से जिंदगी हमारी से चले गए मतलब आप उस वक्त तक एंजॉय कर रही हैं अब मैं बहुत एंजॉय कर रही हूं, सारी टेंशन मुझे मिलती है, बहुत तर्दीद कर रही हैं आप, प्यार मुझे मिलता है, माँ सबको प्यार एक जितना करती है. हाँ ये जरूर है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैंने भी सीखा क्योंकि देखिए मैं तो ये तो मतलब तीन बहन भाई थे और हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे. आई वॉज द ओनली चाइल्ड एंड आई डोंट हैव पेरेंट्स, ठीक है, तो आप बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में समझते हैं, वक्त लगता है और like by the passage of time I understand that aapko apne bachchon ke sath aur ye cheez ko ye bhi agree karenge ki they are different from others, like in a way ye nahi ki bilkul koi ajeebo gareeb makhlooq hai, like bahut sari cheezon mein they are different. Uski wajah kyunki jo bachpan ki aapki ek tarbiyat hai aapka organize hona safai ka khayal rakhna ye choti choti cheezein bahut zaruri hain, lekin ek aur jo wajah hai kyunki badi beti zahir she is in states, beta jo hai wo aapko pata hai ki maine jab islam qubool kiya to he left with his father और मेरे लिए उसके लिए भी मैं उतनी ही दुआ करूँ. बिल्कुल बट इसका ये हो जाता है कि शी इज मोर लाइक अ फ्रेंड, अ फ्रेंड हु वाज विद मी इन ऑल माय हाइज एंड लोस, मोस्ट हाई एंड लोस, एंड शी वाज ऑलवेज देयर, शी अंडरस्टैंड. अच्छा लगता है जब कभी ये कुछ चीज़ों में गाइड कर रही होती, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करें, ये नहीं आप ये करें और पतली हो जाएं, ये करें, यू हैव टू लूज वेट, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, मतलब कभी भी ऐसे लगते हैं डू मोर की पॉलिसी सिर्फ मोर यहाँ से आता है, बस रहती है. बेटियों को ना बेटियों को भी माएँ ये कहती हैं कि तुम मेरी माँ हो अब कुछ अरसे बाद, ये एक फीलिंग डेवलप हो जाती है कि अब तो मेरी माँ. आई एम वेरी ब्लेस्ड. वो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो आपको कहती है और आपको पता है कि हाँ भाई क्या बड़ा सही रही है एंड आई हैव टू डू इट, वो एक इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन उधर से जो आती है वो कौन सी है? इतनी ज्यादा है मामा, चल टेल देम वन the most important one. एक, she is very practical and materialistic. अच्छा, मामा not materialistic, materialistic she is. Okay, that's not correct, but no, she is practical. सही है. Yeah. और rational. Rational ज़्यादा बेहतर होगा. Materialistic ज़रूरी नहीं कि हर बात को गलत अंदाज में ही लिया जाए. Materialistic in a right approach कि उसको पता है कि ये दिल से काम और दिमाग से ज़्यादा सोचती है. She have a good grip on her heart. I don't have. I am a very emotional.
emotional. I sometimes call that I do admit that I'm an emotional fool. Lekin I think मैं जैसी हूँ ऐसी ठीक है अब क्या बदलूँ और one thing is ये कि अब ये कितनी सारी बताती है मैं क्या प्रैक्टिकल होके सोचे अपनी सेहत का यू हैव टू बात देखिए उनकी बात तो बिल्कुल सही है और मैं इस बात से बिल्कुल इकरार करता हूँ हैप्पी बर्थडे रोमिना बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना ज़बरदस्त दिन जो है वो हमारे साथ गुजारा और वो मैसेज मेरा है कि कत्ल करना है तो नज़रों से करो तलवार में क्या रखा है केक लेकिन कैसे नज़रों से काटेंगी केक नज़रों से नहीं हो सकता तो ये तलवार आपके लिए और जी हैप्पी बर्थडे आपका तो हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू ज़बरदस्त देखें क्या बात है सचमुच का केक भी आया और काटा भी सचमुच काटा है और नजरों से नहीं काटा ये नहीं कहना होता कि सचमुच का आया लोग समझते हैं कि पहले वक्तों में सिर्फ प्लास्टिक का बात है क्रीम है सब कुछ जेन्युइन है तो आप कोई इनके लिए कोई आज बर्थडे का कोई मैसेज समथिंग दैट यू कुडंट टेल हर और से टू हर सो यू कैन इनको डाल के देता हूं जब तक मैं डाल के देता हूं आपको आप जब तक लाइए मैं कट नहीं आप मैसेज सुने मैसेज सुने अच्छा चलो बताइए दिस इज सो एम्बैरेसिंग नो I just want to say that I love you a lot and you're the best thing that's ever happened to me. I mean, I'm the best thing that's ever happened to me. But also, I love you a lot and you may live long and please start making practical decisions. Okay. Oh my God. Practical, yes. और आपका भी दिन है तो आप भी बर्थडे स्पीच भी तो कह सकती हैं मतलब कि देखो तुम ठीक हो जाओ तुम सीधी हो जाओ सीधी ये ऐसी चीजें आप कह सकते हैं जिंदगी में कुछ इमोशन भी लाओ मैं सिर्फ नहीं इमोशन तो है मैं सिर्फ यही कहूंगी बल्कि इससे नहीं सबसे कहूंगी जो भी है कि जिंदगी एक दफा मिलती है लिव द मोमेंट और नसीब अल्लाह से मांगे जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिलना ही मिलना है और बाकी अल्लाह सबको खुश रखे इस मुल्क को खुश रखे एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल हम चैनल जिन्होंने इस दिन को और खूबसूरत बनाया एंड ज़रफ़शाह एज वेल यू वन ऑफ योर टीम मेंबर एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल थैंक यू हम सब आपने कहा जो नसीब में वो मिलना ही मिलना लेकिन बड़ा वाला केक मैंने आपके लिए रखा बड़ा वाला पीस आपके लिए रखा है थैंक यू सो मच ठीक है जी तो ये जबरदस्त काम हो गया अच्छा कोई वो बर्थडे रेजोल्यूशंस कोई आपने बनाई है कुछ ऐसा सोचा ये होता है क्योंकि लोग बनाते हैं ना अने आई जस्ट वांटेड टू दो दुआएं हैं अल्लाह मियां से दो तीन दुआएं बस अच्छा। मांग रही हूं और अल्लाह मियां बेहतर करे कहीं से ये शेयर करना पसंद नहीं नहीं अच्छा ये प्राइवेट दुआ है प्राइवेट ऐसी कोई प्राइवेट दुआ नहीं है मेरी कोई चीज दुआ तो दुआ होती है लेकिन मैं अल्लाह से ही कहती हूं कि अल्लाह सेहत नसीब और जितनी जिंदगी है वो खुशियों के साथ दे एंड यस वन डिजायर दैट टू बी लव्ड ऑलवेज हां बाय एवरीवन और रोमिना इज वन ऑफ दोस पीपल के जिनसे हमारी जब दोस्ती हुई तो फिर वो ऐसी दोस्ती हुई कि ज्यादा ही दोस्ती हो गई लेकिन नहीं नहीं ये ऑनेस्टली मतलब वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल जो आपको पार्लियामेंट में मिलेंगी उनमें शी इज इन दैट लिस्ट कि जो आपको बहुत हम्बल तरीके से मिलती हैं आपका ख्याल रखती हैं आपका हाल चाल पूछती हैं कुछ लोग बड़े मसरूफ भी हो जाते हैं जाहिर है ऐसे ओहदों पर फाइज होके फिर फैजयाब होने लग जाते हैं थोड़ा हमसे कम जरा बातचीत किया करें हमें लगे लगे अरे भाई तो बड़ी मसरूफ हो गई लगेगा हमें इस तरीके से मैं मसरूफ होती हूँ लेकिन मैं समझती हूँ वक्त कभी भी मिलता नहीं है निकालना पड़ता है अपनों के लिए मोहब्बत वालों के लिए बिल्कुल और गिफ्ट भी निकालना पड़ता है बर्थडे पर तो उसका भी इंतजाम हो गया उसका इंतजाम सब हो गया जबरदस्त शाम को फिर इनके घर पे जाते हैं और वहाँ पर दावत उड़ाते हैं नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए एक मरतबा फिर आपको सालगिरह मुबारक अल्लाह हाफिज़